हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? आज हम सैमसंग गैलेक्सी VS आईफोन कंपैरिजन करेंगे। सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा VS आईफोन 14 प्रो मैक्स, विच फोन बेस्ट? तो आज इसके बारे में हमारी बात होगी, इसका स्पेक्स जानेंगे, इसका डिज़ाइन, डिस्प्ले, कैमरास, और इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ कि सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा जो है उसके बारे में बात करते हैं। इसकी एक्सीलेंट बैटरी लाइफ एंड बिल्ट इन एस पेन, और इसमें जो मेन चीज़ है सैमसंग गैलेक्सी में, इसमें आपको एक पिन पॉइंट पेन मिलेगा जिसमें आप पेन से आप नोट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप मोबाइल के ऊपर राइट डाउन कर सकते हैं। सेम आपको ऑन इस तरह से टाइप होकर आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें पावरफुल 200 MP कैमरा है, 200 MP कैमरा, और जो फास्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिप है, और ऑसम डिस्प्ले है, एक्सीलेंट बैटरी लाइफ है, स्मार्ट वन UI 5.1 अपग्रेड सिस्टम्स है इसका, और इसका जो अगेंस्ट है कर्व स्क्रीन कैन गेट इन वे, नो अपग्रेड इन चार्जिंग स्पीड, ये भी इसमें है। और इसकी जो स्पेक है, ये आपको एक और चीज़ इसके साथ बताता जाऊँ गाइस, ये जो है 2023 अल्ट्रा सैमसंग 2023 में, यानी 3 महीने हो गए हैं इसको अभी मार्केट में इन हुए, 3 से 4 महीने, ठीक है। और जो आईफोन है उसको काफ़ी देर हो चुकी है, वो लॉन्च हुआ है, तो इस वजह से काफ़ी इसका। चले गाइस, अभी हम चलते हैं आईफोन 14 की जानिब, ठीक है। और इसकी सबसे पहले इसका जो मेन सिम की तरफ चलते हैं, इसमें सिम नैनो सिम चलती है, ई सिम चलती है, और सबसे बड़ी बात है इसमें ई सिम जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिम जो आपको अगर इसमें स्लॉट नहीं चाहिए फ़ोन के अंदर, तो आपको इंटरनेशनल सिम, आपको ई सिम ले सकते हैं, जिसमें आप कोड ऐड करेंगे, सिम की फिजिकल सिम की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो जस्ट लाइक आप कोड ऐड करेंगे, पाकिस्तान के अंदर ये जैज़ वाले ई सिम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और ये पाकिस्तान में भी आ चुकी है आई थिंक, तो आप कंफर्म कर लीजिएगा। इसके साथ हम चलते हैं इसका डिस्प्ले की जानिब, सुपर रेटिना का XDR OLED HDR10 डॉल्बी विजन 800 HBM 1200 यूनिट्स पीक पे इसका टाइप ऑफ है, साइज इसका 6.1 इंचीज है, और इसकी रेजोल्यूशन 1170x2532 पिक्सल्स है, और ये मेन जो फैक्टर है 4K में ये आपको वीडियो शूट करके देता है। और इस पे एक प्रॉब्लम ये आता है कि इसका आई क्लाउड, इसकी मेमोरी बहुत कम हो जाती होती है, तो इसमें एक ये भी है। तो इसमें ड्यूल सिम भी है आई थिंक। इसकी जो सबसे बड़ी मेन, जो जब आप इसको ख़रीदने जाते हैं, इसकी डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि इसमें एप्पल US का एप्पल चाहिए आपको, अमेरिकन एप्पल यानी के चाहिए फ़ोन, या फिर सिंगापुर का फ़ोन चाहिए, चाइनीज़ प्रोडक्ट में भी, चाइनीज़ में भी बना हुआ है, और जापानीज़ ने भी बनाया, यानी जापानीज़ कोरियन ने भी इसको बनाया हुआ है। तो आप जब मार्केट जाते हैं तो आपको 3 और 4 आपको टाइप्स के आपको ये दे देते हैं। इसमें फिर 2 नंबर जो इसकी कॉपीज़ होती हैं, वो कॉपीज़ भी आपको मिल जाती हैं, तो वो भी कम प्राइस में मिल जाती हैं, लेकिन आपको ये जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये आईफोन मैं कौन सा ले रहा हूँ। तो इसी तरह अगर आईफोन आपने ख़रीदना है, तो आप आईफोन एप्पल स्टोर में से जाएँ, पाकिस्तान में एप्पल स्टोर नहीं है, तो आपको दूसरी शॉप्स में ही जाना पड़ेगा। तो दुबई में एप्पल स्टोर है, बाकी US में एप्पल स्टोर्स है, इंग्लैंड में एप्पल स्टोर्स है, डिफरेंट सिंगापुर में एप्पल स्टोर्स है, तो बाकी कंट्रीज़ में मोर देन एप्पल स्टोर्स हैं। आप ऑनलाइन चेक करें तो इसकी ये डिसएडवांटेज ये भी है जो मुझे नज़र आया है, जो मुझे फेस करना पड़ता भी है, किया भी है मैंने। तो इसमें फीचर्स हैं,
फेस आईडी है, इसमें आई मैसेजेस है, इसमें जो है ब्राउज़र HTML का सफारी ब्राउज़र आपको बिल्टन मिलता है। इसकी बैटरी है और चार्जिंग इसमें PD 2.0 50% 30 मिनट एडवर्टाइज तक चलती है। इसमें कलर्स मिडनाइट पर्पल्स और ब्लू रेड येलो और स्टार लाइट्स, इसमें ये कलर्स आपको अवेलेबल है, मॉडल्स अवेलेबल है, SCR है और टेस्ट है, परफॉर्मेंस है, डिस्प्ले इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो इनफिनाइट, नॉमिनल फोटोज वीडियोस है, लाउड स्पीकर है, बैटरी लाइफ इसकी एंड्योरेंस रेटिंग 90 HP है, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, तो आपने गैस करना है विन कौन सा है और मुझे बताएं कि विन S13, S23 अल्ट्रा, सैमसंग, VS आईफोन 14। थैंक यू।